एक्सरसाइज 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कौन सा पार्ट ट्रू है, कौन सा फॉल्स, मींस हमें ट्रू फॉल्स बताना है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन, फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन। इस पार्ट में हमारे पास ये जो वर्ड है आर्बिट्ररी, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन, स्टार ऑन अ सेट एन, स्टार ऑन अ सेट एन, ये जो हमने आर्बिट्ररी हम लेने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये सेट एन पे डिफाइन किया गया है, राइट। और किस तरह से डिफाइन किया है, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, सभी ए के लिए ए स्टार ए क्या है, ए के इक्वल। अब हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है या फॉल्स। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आपको देखना है, ये कह रहा है कि फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन, आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन के लिए, तो आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हो गया कि हम यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन ले सकते हैं, जो बाइनरी ऑपरेशन, जैसे हम प्लस, राइट, मल्टीप्लाई। तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ ए प्लस ए, सोचो मैंने एक थ्री एलिमेंट ले लिया या फोर ले लिया या फाइव ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं ना, थ्री एलिमेंट ले लिया, बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, राइट। तो अगर मैं इसे लिखूं, यहाँ पर मैंने स्टार को कैसे डिफाइन किया है, स्टार को मैंने लिया है प्लस, तो थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू कितना आएगा, सिक्स आएगा। क्या ये इक्वल आया है ए के, या ए क्या था हमारे यहाँ पर, थ्री था, है ना, तो क्या ये थ्री के इक्वल आया है, नहीं, नॉट इक्वल टू ए। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, जैसे हमने डिफाइन किया था ए स्टार ए इज इक्वल टू ए, ये क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। सो ये क्या है हमारा, फॉल्स है, राइट, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गई। अब इसी के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें क्या करना है, उस पार्ट में इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या गिवन है, इफ स्टार इज अ कम्यूटेटिव, स्टार जो है वो एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, कौन से सेट पे है, बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, नेचुरल नंबर्स के सेट पे, है ना, देन ए स्टार कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, तो ए स्टार बी स्टार सी, हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है सी स्टार बी स्टार ए के, इक्वल है किसके, हाँ। तो हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू होगी या फॉल्स, क्या गिवन है, एक तो ये देखना है कि स्टार जो है हमें वो कम्यूटेटिव गिवन है, है ना। कम्यूटेटिविटी की डेफिनेशन हमें बताया क्या होती है, कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, तो मैं ये साइड में लिख देती हूँ, हम इसे यूज़ करेंगे, राइट। क्या यूज़ करेंगे हम, कम्यूटेटिविटी कि जो प्रॉपर्टी होती है y स्टार x, राइट, इसको हम यूज़ करेंगे। ये कह रहा है अगर कॉम्यूटेटिव है तो ये इसके इक्वल होगा, यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो a स्टार b स्टार c है, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ, हम राइट हैंड साइड तक पहुँचेंगे अगर ये ट्रू होगा तो। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये कॉम्यूटेटिव है, तो इसका मतलब अगर ये एक एलिमेंट हो और ये एक एलिमेंट हो, है ना, और मैं अगर इनका अब ऑर्डर बदल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या लेने वाली हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए स्टार बी स्टार सी है, है ना, कॉम्यूटेटिव है, तो मैं ए को यहाँ पीछे लिख देती हूँ और इसको फर्स्ट नंबर पर, तो कैसे आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये इक्वल आ जाएगा किसके, इक्वल आएगा ये, है ना, ये आ जाएगा इक्वल, सबसे पहले मैंने लिख दिया बी स्टार सी और उसके बाद लिख दिया स्टार ए, ये मैंने बाइनरी ऑपरेशन माना, इसको फर्स्ट एलिमेंट माना, इसको सेकंड एलिमेंट, सेकंड को पहले लिख दिया, फर्स्ट को बाद में लिख दिया, तो ठीक है क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव है, राइट। सो अब फिर से, अब एक बार इसको भूल जाओ, स्टार ए को भूल जाओ, ये भी तो एक एलिमेंट है बी स्टार ए, मतलब ये भी तो यहाँ पर भी तो बाइनरी ऑपरेशन लगा है और बी और सी दो एलिमेंट्स हैं, तो कॉम्यूटेटिव है, तो ये बी क्रॉस सी बी स्टार सी इक्वल होगा सी स्टार बी के,
तो मैं इसको लिख देती हूँ सी स्टार बी क्रॉस ए स्टार, यानी कि नॉट क्रॉस. क्या ये और ये सेम है जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है और जो राइट हैंड साइड पर लिखा है, क्या ये दोनों सेम है? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया मैंने, राइट, और मुझे क्या मिल गया, मुझे ये मिल गया. सबसे पहले मैंने कॉम्यूटेटिविटी को यूज़ करके ए की पोजीशन यहाँ कर दी और बी स्टार सी की पोजीशन पहले कर दी, ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर चेंज कर दिया. मेरे पास आ गया बी स्टार सी स्टार ए. फिर से मुझे पता है कि ये कॉम्यूटेटिव है, तो ये जो बी स्टार सी है ये भी सी स्टार बी के इक्वल होगा, तो सी स्टार बी स्टार ए. और मैंने देखा कि ये जो राइट हैंड साइड पे है ये तो सेम है, इक्वल टू आर एच एस. मैं लेकर चली थी लेफ्ट हैंड साइड, मेरे पास आ गया राइट हैंड साइड, तो मेरे पास क्या हो गया, दैट दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. क्या है ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, राइट. तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स थे. फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन था आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन और ए स्टार ए इक्वल था ए के. हमने यहाँ चेक किया, हमने देखा इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल दीज. और अगर आर्बिट्ररी ऑपरेशन है तो हमने देखा अगर हम प्लस लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3+3 6 आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू ए, राइट. तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया. और सिमिलरली जब मैंने देखा सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, उसमें हमें कॉम्यूटेटिविटी गिवन थी, तो देख के लगा कि हो सकता है शायद ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एसोसिएटिविटी जैसी दिख रही है, ये जो कंडीशन है कुछ कुछ वैसी दिख रही है. लेकिन आपको यहीं पे हार नहीं माननी है, आपको उसे थोड़ा सॉल्व करना है, चेक करना है, ऐसे सिंप्लीफाई करना है, कॉम्यूटेटिविटी को यूज़ करना है, ठीक है. और फिर देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं राइट हैंड साइड के. हमने यहाँ देखा कि इक्वल आ गया, और अगर इक्वल आ गया तो दैट मीन्स इट इज़ ट्रू. तो ये कैसा हो गया, हमारा ट्रू हो गया. सेकेंड पार्ट जो है वो ट्रू था और फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, फॉल्स. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 इस एक्सरसाइज का.